दोस्तों, इतने सालों से जो भारत ने सपना देख रखा था, अब वो पूरा होने जा रहा है। तो दरअसल मैं बात कर रहा हूँ भारत की सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल की, जो कि बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर आप भी नदी के नीचे रेल की यात्रा करना चाहते हैं, तो अब जल्द ही आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। कोलकाता में हुगली नदी पर देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल बनकर तैयार हो गई है। ये हावड़ा को कोलकाता से जोड़ेगी। 16.6 किलोमीटर लंबे ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ये टनल बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि टनल के अंदर से मेट्रो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगी। ये सुरंग नदी के तल से 30 मीटर नीचे बनाई गई है एंड इसकी कुल लंबाई 520 मीटर है, यानी यात्री करीब एक मिनट के लिए नदी के नीचे से गुजरेंगे। इस पूरे ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट की लागत करीब 9000 करोड़ रुपए है और सिर्फ अंडर वाटर टनल बनाने पर ही 60 करोड़ रुपए खर्च आया है। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने पश्चिम बंगाल सरकार को 5000 करोड़ की मदद भी दी है। दोस्तों, अपने प्यारे से भारत के लिए वीडियो को एक लाइक करके कॉमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, आखिर गोरखा सैनिक इतने खतरनाक क्यों होते हैं? तो दरअसल इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट को दुश्मनों से बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है और ये रेजिमेंट दुनिया के सिर्फ 3 देशों के पास है, नेपाल, ब्रिटेन और इंडिया। आपको बता दें कि जब भी किसी गोरखा सैनिक के घर बच्चा पैदा होता है तो पूरे गाँव में आयो गोरखाली बोलकर शोर मचाते हैं। इनको शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि डर कर जीने से बेहतर है मर जाना। गोरखा सैनिकों की 42 वीक की कठिन ट्रेनिंग होती है। इसमें ये सैनिक फिजिकली और मेंटली तौर पर काफी मजबूत हो जाते हैं। इन सैनिकों को ट्रेनिंग में छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियार तक चलाना सिखाया जाता है और इसमें भी सबसे जरूरी आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग होती है। हर एक गोरखा सैनिक के पास एक खुखरी होती है जिससे वो दुश्मन के परखच्चे उड़ा देते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आपको बोले कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो समझ जाना या तो वो गोरखा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज तक आपने ईंट, पत्थर, सीमेंट और तारकोल से बनी सड़कें तो जरूर देखी होंगी, लेकिन अब आपको भारत में स्टील से बनी सड़कें भी देखने को मिलेंगी। तो दरअसल गुजरात के हजीरा पोर्ट के पास एक सड़क बनाई गई है जो कि स्टील प्लांट से निकलने वाले कचरे से बनी है। 6 लेन वाली 1 किलोमीटर लंबी सड़क की थिकनेस आम सड़कों से 30% कम है। अन्य सड़कों के मुकाबले स्टील से बनी ये रोड काफी ज्यादा मजबूत भी है और इसे बनाने में भी 30% कम खर्च आता है। आपको बता दें कि हजीरा पोर्ट के पास वाली ये सड़क बड़े बड़े ट्रक्स और भारी व्हीकल्स की वजह से बार बार बनने पर भी कुछ दिनों बाद टूट जाया करती थी, लेकिन अब स्टील के कचरे से बनी यह सड़क इतनी मजबूत है कि इस पर हर दिन 18 से 30 टन वजन लेकर 1000 से भी ज्यादा ट्रक्स गुजर जाते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक और रिसर्चर ने यह स्टील के कचरे से सड़क बनाने का कदम इसलिए उठाया है क्योंकि दुनिया भर में स्टील प्लांट्स का कचरा बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये हमारे नेचर को काफी नुकसान देगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने भारत देश की इस सफलता से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, आखिर अपना भारत दुनिया भर से कचरा क्यों खरीद रहा है? तो दरअसल इस कचरे से भारत को 3 बड़े फायदे होते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 3, मिलिए भारत के रहने वाले प्रोफेसर सतीश कुमार जी से, जिन्होंने डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को देख एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है जिसमें प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है। आपको बता दें कि ये 500 किलो प्लास्टिक कचरे से 400 लीटर पेट्रोल बना लेते हैं। नंबर 2, इसी तरह का कमाल कर दिखाया है आदित्य नाम के इस लड़के ने, जिसकी उम्र केवल 17 साल है। इन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई है जिसमें कचरे को रिसाइकल करके कपड़ा बनाते हैं। हर रोज इनकी फैक्ट्री में 10,000 टन कचरे को रिसाइकल करके कपड़ा बनाया जाता है। नंबर 1, अब भारत में कचरे से कपड़ा और पेट्रोल के साथ साथ सड़कें भी बनाई जा रही हैं, जो कि नॉर्मल सड़कों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं और इनको बनाने में भी बेहद ही कम खर्च आता है। दोस्तों, बिहार के इस लड़के ने इंडियन आर्मी के लिए 3 ऐसे खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार बनाए हैं जिन्हें आज तक दुनिया में कोई भी नहीं बना पाया और इन्हें देखकर अमेरिका के साइंटिस्टों तक के भी होश उड़ गए हैं। तो दरअसल इस लड़के का नाम राजा कुमार है। इसने भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए और दुश्मनों की धज्जे उड़ाने के लिए 3 हथियार बनाए हैं। नंबर 3, इन्होंने एक ऐसा लैंडमाइन बनाया है, अगर गलती से इंडियन आर्मी के किसी जवान का पैर इस पर रखा जाता है तो ये नहीं फटेगा और अगर किसी दुश्मन का पैर इस पर रखा जाता है तो ये उसके परखच्चे उड़ा देगा। नंबर 2, ये एक प्रकार ऑटोमेटिक मशीन गन है। राजा कुमार ने इसे घुसपैठियों को रोकने के लिए बनाया है। इसके सामने भी अगर कोई दुश्मन आता है तो ये उसकी धज्जियां उड़ा देगी और अगर कोई भारतीय जवान इसके सामने आता है तो ये फायरिंग नहीं करेगी। नंबर 1, इन्होंने एक सायरन बनाया है जो कि बॉर्डर पर दुश्मन के एंटर करते ही जोर जोर से बजने लगेगा, जिससे कि हमारी इंडियन आर्मी को पता चल जाएगा कि कोई दुश्मन भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अपने भारत के इस लड़के द्वारा बनाए गए ये हथियार अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।
दोस्तों क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में चीन का एक रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और ये रॉकेट दुनिया के किसी भी देश पर गिर सकता है। तो दरअसल 24 जुलाई को चीन ने एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसका वजन लगभग 25 टन है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये रॉकेट चीन के कंट्रोल से बाहर हो गया है और धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है जो कि कभी भी और किसी भी टाइम धरती की सतह से टकरा सकता है जिससे कि सैकड़ों या हजारों लोगों की जान भी जा सकती है। हालांकि धरती पर ये पूरा का पूरा रॉकेट नहीं गिरेगा क्योंकि यहां पर आते आते इसका कुछ हिस्सा जल जाएगा। अमेरिकी एयरोस्पेस के मुताबिक रॉकेट के मलबे के गिरने से भारत और अमेरिका के साथ साथ कई और देश भी प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि यह रॉकेट इनमें से किसी भी देश पर गिर सकता है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2021 में भी चीन के एक रॉकेट के टुकड़े हिंद महासागर में गिरे थे। अब यह रॉकेट अगर भारत में गिरा तो सभी जानते हैं कि भारत किसी का उधार नहीं रखता, जिसकी वजह से चीन को इसका तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों भारत के तीन ऐसे अनोखे और शक्तिशाली इंसान जिनके पास सच में सुपर पावर है और आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं कि इन लोगों की शक्तियों का राज क्या है। नंबर 3, मैग्नेट मैन ऑफ इंडिया। 51 साल के अरुण रैकवार के पास एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिससे कि अपने शरीर पर लोहे से बनी किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से चिपका लेते हैं। ये अपनी बॉडी पर चम्मच, कील और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें चिपका सकते हैं। नंबर 2, मिलिए राजमोहन नाम के इस बंदे से। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 500 वोल्ट तक का करंट भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये अपने शरीर में बिजली वायर को लगाकर पंखा और बल्ब जैसी किसी भी चीज को जला सकते हैं। नंबर 1, इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि अगर इनके ऊपर से कोई भी गाड़ी या ट्रक भी गुजर जाए तब भी इनका कुछ नहीं होता और इसके अलावा ये लगभग 2 लोगों को अपने दांतों से उठा सकते हैं। इनका रियल नेम अमनदीप सिंह है जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। वैसे दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, क्या आप बता सकते हो कि ये कितने रुपए हैं? अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो रूस किसका साथ देगा? तो दरअसल 1962 के भारत और चीन युद्ध में भी रूस के लिए किसी का भी पक्ष लेना आसान नहीं था और रूस ने उस युद्ध को भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। ऐसे में अब भी रूस के लिए भाई या दोस्त का पक्ष लेना आसान नहीं रहेगा। रूस के साथ भारत की पुरानी दोस्ती है और कई बार रशिया ने भारत की मदद भी की है। आज भी भारत के 56% हथियार रूस से आते हैं। वहीं दूसरी ओर 2018 में रशिया और चाइना के बीच 8 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था जिससे कि रूस को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। और चीन और रशिया के बीच एक लंबी सीमा है जिसकी लंबाई लगभग 4,250 किलोमीटर है। इतना बड़ा देश होने की वजह से रशिया चाइना के साथ संबंध बिगाड़कर सीमा पर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। अब अगर रशिया दोनों में से किसी एक देश के साथ भी संबंध बिगाड़ता है तो उसे बहुत भारी नुकसान होगा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो रशिया दोनों में से किसी का भी साथ नहीं देगा और वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। दोस्तों कुछ दिनों पहले चीन का युवान वोंग 5 जहाज श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया था जिस वजह से भारत ने श्रीलंका से एतराज जताया कि वो इस जहाज को अपने यहाँ ठहरने की इजाजत न दे क्योंकि इसकी वजह से भारत की सुरक्षा पर गहरा असर पड़ सकता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन का ये जहाज भारत के लिए खतरा क्यों था और क्यों ये भारत की जासूसी कर रहा था? तो दरअसल आपको बता दें कि ये कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है बल्कि ये तो एक पावरफुल ट्रैकिंग शिप है। 400 क्रू वाला ये शिप लगभग 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी रख सकता है। मतलब श्रीलंका हम्बनटोटा में खड़े चीन के जासूसी जहाज से भारत को एक नहीं कई खतरे हो सकते थे क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी केवल 451 किलोमीटर है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कई परमाणु ठिकाने एंड केरल और आंध्र प्रदेश के कई पोर्ट यानी बंदरगाह चीन के राडार पर थे। चीन का ये जहाज सैटेलाइट और मिसाइलों को भी ट्रैक करने में सक्षम है तो बस इसीलिए चीन का ये जहाज भारत के लिए खतरा था। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो आज अपना भारत देश कैसा होता? नंबर 4, आज हमारा भारत देश सबसे ज्यादा अमीर होता। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था लेकिन अंग्रेजों ने इसे बहुत लूटा और इसके साथ साथ भारत का कोहिनूर हीरा भी ले गए। गुलामी के दौर में अंग्रेज हर साल भारत से 4 मिलियन पाउंड की दौलत ले जाते थे। नंबर 3, अंग्रेजी लैंग्वेज के कारण आज लोग अपनी मातृभाषा हिंदी को भूलते जा रहे हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपनी मातृभाषा बोलते हैं और आज विकसित भी हैं लेकिन भारत में तो आज अंग्रेजी वाले लोगों को ही शिक्षित माना जाता है। नंबर 2, दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा कोई देश नहीं होता और आज हमारा भारत अखंड भारत होता। इंडिया पाकिस्तान युद्ध में हमारे देश के जितने भी जवान शहीद हुए हैं वो भी शहीद नहीं होते। नंबर 1, आज जो ब्रिटेन इंडिया का पैसा और सोना हड़प कर विकसित हो रखा है वो भी एक गरीब देश होता। दोस्तों अगर आप भी अपने भारत देश से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।
दोस्तों आखिर भारत में चाइनीज गाड़ियां क्यों फेल हुई? चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार बेचने वाला देश है, तो ऐसा क्या हुआ कि भारत में चाइना की एक भी कार देखने को नहीं मिलती है? तो दरअसल इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। नंबर 3, आपको तो पता ही है, कभी तो चाइना भारत के साथ दोस्ती का नाटक करता है और कभी उसकी नियत में खोट आ जाता है। ऐसे में आने वाले समय में अगर भारत और चाइना के बीच हालात ज्यादा खराब होते हैं तो भारत में वो चाइनीज कार कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। नंबर 2, जब भी किसी विदेशी गाड़ी को भारत में इम्पोर्ट किया जाता है तो वहाँ एवरेज प्राइस में मिलने वाली गाड़ी यहाँ पर आकर काफी ज्यादा महंगी हो जाती है और इसी कारण से चाइनीज कंपनियां भारत में एंटर नहीं कर पाई हैं। नंबर 1, अगर भारत में कोई कंपनी सस्ती गाड़ियां बनाती है तो उनका हाल टाटा नैनो जैसा हो जाता है, और अगर महंगी गाड़ियां बनाती हैं तो उन्हें सिर्फ हाई स्टैंडर्ड वाले लोग ही खरीद पाते हैं, जिससे कि कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान होता है और इसीलिए चाइनीज कार कंपनियां भारत में आने से कतराती।